स्वाद लड़े रस्ते ते तू तुरिया इत बदनामी हाई रेट मिलूगी तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो बाकी आज वाले व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं फिर दोबारा से एक और वाटरफॉल पे। अब वो वाटरफॉल कहाँ पे है? वो वाटरफॉल है पहाड़ों में। वैसे सारे वाटरफॉल पहाड़ में ही होते हैं मुझे पता है, पर मतलब कि जो याला वाटरफॉल है इस वाटरफॉल की मतलब कि काफ़ी डिमांड आ रही थी। लोग मेरे को बोल रहे थे कि मतलब कि उस वाटरफॉल की अभी तक भाई तूने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है भाई वहाँ की वीडियो बना और मतलब कि हमें एक मतलब कि एक्सप्लेन करके मतलब रास्ता समझा दे ढंग से कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि किमाड़ी में प्रॉपर वो किस जगह है। तो अभी आप लोगों ने सही सुना कि मैं जा रहा हूँ किमाड़ी की साइड, और जो आप लोगों को पता होगा जो काफ़ी वायरल हुआ था पिछले साल किमाड़ी का वाटरफॉल, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जो किमाड़ी का वाटरफॉल है वो मतलब कि बैन हो गया था पिछले साल ही, पर इस साल मतलब कि लोग जा रहे हैं वहाँ पे फिर दोबारा और वहाँ की वीडियो वगैरह भी काफ़ी वायरल हो रही है, तो हम लोग भी चल रहे हैं फिर वहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना था। पर आज इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन भी है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आप लोगों को वहीं पहुँच के बताऊँगा और दिखाऊँगा भी आप लोगों को कि मतलब किमाड़ी में काफ़ी टाइम से नहीं गया, और मतलब काफ़ी ना मतलब कि फिर मेरे को DM वगैरह भी आ रहे थे कि भाई किमाड़ी का वाटरफॉल एक्सप्लोर मतलब कि एक्सप्लेन कर दो रूट कैसा है क्या नहीं है। तो बाकी अगर किसी को पता नहीं कि इंस्टाग्राम पे मेरे को DM क्यों आ रहे हैं तो जाके मतलब कि फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो पता चल जाएगा आप लोगों को। मतलब कि व्लॉग डालने से पहले ना एक छोटी सी मतलब कि एक मैं वीडियो डाल देता हूँ, मतलब कि एक अपडेट बोल दो कि इस वीडियो का मतलब कि इस वीडियो का ना फुल व्लॉग आने वाला है। तो पहले मैं वहाँ पे एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब बढ़िया सी एकदम जो लोकेशन की होती है, काफ़ी सारे लोग अच्छी भी लगती हो तो इसीलिए मतलब कि लोग मतलब कि DM वगैरह कर रहे हैं कि ये वाला भी दिखाओ यार, ये वाला भी दिखाओ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं विजयपुर डैम और हम जा रहे हैं मतलब कि किमाड़ी वाले वाटरफॉल पे। देखो इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को किमाड़ी वाला वाटरफॉल ना अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है पूरा रूट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पर इसमें मतलब कि एक बीच में ना ट्विस्ट भी आएगा जो कि मैं आप लोगों को वहीं पहुँच के दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा या पता चल गया होगा अभी कि मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पर मैं वहीं पहुँच के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं फटाफट किमाड़ी वाले वाटरफॉल पे, और मतलब कि काफ़ी देरी नहीं करते, और एक वाटरफॉल इधर सामने की तरफ जाके भी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा जाके देख लेना आप लोग। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं किमाड़ी। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने रूट देख ही लिया है और हम लोग पहुँच चुके हैं किमाड़ी वाले पहाड़ पे, और यहाँ से जो अपना रूट है वो मैक्सिमम होगा कुछ 8 या 9 किलोमीटर का रूट है, ज़्यादा लंबा रूट है नहीं आज का, और उसके बाद देखते हैं फिर आगे तक चलेंगे थोड़ा जो लंबी धार वाला वाटरफॉल है तो वहाँ तक जा सकते हैं क्योंकि वो बैन नहीं है, वो पूरा ओपन है, और देखते हैं भी क्या रहता है क्या नहीं। फिलहाल तो जो अपना मेन मोटिव था ना जाने का वो किमाड़ी का वाटरफॉल था जो कि मतलब कि काफ़ी वायरल हो रहा था। मेरे को मुश्किल से 5 मिनट हुए आए हुए और इतनी बढ़िया हवा चल रही ना यहाँ पे, इतनी बढ़िया हवा, मतलब एक बार ना सूरज देखो कहाँ पहुँच गया, देखो पहाड़ के ऊपर पहुँच गया एकदम सन, मतलब सनराइज़ हो चुका है देखो। और अगर मैं मान लो अभी कहीं प्लेन साइड जाता ना जैसे विकास नगर या मालदेवता साइड दोबारा या रायपुर साइड तो गर्मी लगती मेरे को वहाँ पे इस टाइम अभी, मतलब कि जब मैं जा रहा था ना गर्मी लग रही थी, पर अभी देखो यहाँ पे मतलब कि चाहे धूप भी निकल जाए ना पर फिर भी मौसम तो ठंडा रहता है यहाँ का। चलते चलते मेरे को यहाँ से मतलब कि एक चीज़ दिखी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाता हूँ साथ में, और मतलब कि इतनी बढ़िया चीज़ दिखी ना, तो मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मतलब कि इधर आएंगे और मेरे को यहीं पहुंच के याद आया और वो चीज़ मैं भूल गया था, तो इधर भी जल्दी आना पड़ेगा एक्सप्लोर के लिए। अब मैं मतलब कि कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी दिखाता हूँ आप लोग। देखो अभी मैं ना इस वाली रोड से आया, मैं ये अपनी किमाड़ी की रोड है, ठीक है, और इसके ठीक अपोजिट साइड देखो मतलब कि यहाँ पे मैंने आप कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मतलब कि एक नदी आ रही है बीच में और यहाँ पे भी चलेंगे जल्दी एक्सप्लोर करने, पर मैं वो भूल गया था। और जब मैं आज यहाँ पे आया ना तब मेरे को याद आया कि देखो वहाँ पे भी ना मतलब कि नदी जा रही है, और मेन चीज़ क्या है जब मैं लास्ट टाइम आया था तो वहाँ पे ना रोड ख़राब थी। अभी आप लोगों को एकदम अगर थोड़ा जूम मार के दिखाऊंगा तो वहाँ पे ध्यान से देखना कि रोड ना बन गई है जो कि मतलब कि सीमेंट वाली वो है, ये क्या बोलते थे ऐसी रोड है, क्या बोलते थे तारकोल वाली, हाँ तारकोल वाली रोड बन गई है। मतलब सामने वाले पहाड़ पे भी जाना पड़ेगा एक्सप्लोर करने, और मतलब मैं ना भूल गया था एकदम, मेरे को यहीं आके याद आया जब मैं इधर आ रहा था ना एकदम से मेरे को वाला व्यू दिखा और तब मैं ना रुक गया 2 मिनट, मैंने रुक के जरा व्यू देखते और बाकी अपना रोड बना दिया है। और मेन तो ये कि रास्ता पता करना पड़ेगा पहले कि वो रास्ता कहाँ से जा रहा है तब चलेंगे, तो अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं ना। बाकी पीछे का जो व्यू है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सनराइज़ भी हो चुका है, काफ़ी तेज़ धूप निकल चुकी है, पर ये है कि यहाँ पे ना इतना गर्म लग नहीं रहा है क्योंकि अभी मैं पहाड़ में हूँ और पहाड़ में देखो इतना गर्म लगता नहीं है धूप जब आती है। और बाकी बढ़िया मौसम हो रखा है, बढ़िया मौसम एकदम।
जहाँ से मैं आया और मतलब किमाड़ी तक काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, पर जिनको नहीं पता उन लोगों को भी मतलब कि पता चल गया होगा रास्ता कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। अगर नहीं पता होगा तो मतलब कि विजयपुर डैम डाल देना, और विजयपुर डैम के बाद तो फिर सीधा सीधा रास्ता ही है, ठीक है, और बाकी फिर पहाड़ में, जब पहाड़ में पहुँच जाओगे ना तो आप लोग सही आए फिर, मतलब किमाड़ी में ही आए फिर। तो ये है वो मेन लैंडमार्क जो कि आप लोगों को देखो ये सामने दुकान दिख रही है, ये लैंडमार्क है मेन यहाँ का। और पहुँच चुका हूँ किमाड़ी वाले वाटरफॉल पे, और जो किमाड़ी वाला वाटरफॉल है वो मतलब कि जो ये रोड है ना, रोड के मतलब कि साइड में आप लोगों को देखो, मैंने अभी आप लोग एक कैफे दिखाया मतलब छोटा मैगी पॉइंट टाइप का, तो मैगी पॉइंट है वो वाला जो आप लोगों को देखो दिख रहा है, तो उससे मतलब आगे आओगे और आप लोगों ने एक लद्दाख वाली फील दिखाएगा ये वाला पहाड़, तो इसके ही मतलब कि एकदम सामने की तरफ वो वाटरफॉल है, और जो वाटरफॉल है वो वाटरफॉल वहाँ सामने आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी लाउड आ रही है आवाज़, काफ़ी लाउड हो गई, काफ़ी दूर है वो वाटरफॉल पर फिर भी वहाँ से यहाँ तक कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और जो वाटरफॉल जाने का रास्ता है वो ये वाला है, मतलब कि देखो ये रोड है और रोड के बगल से ही रास्ता है नीचे जाने का। पर इतना ही नहीं, मतलब कि यहाँ वाटरफॉल जाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि वहीं पहुँच के आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो देखो इस वाले वाटरफॉल में जाना मना है पूरा एकदम। अब मना क्यों है आप लोगों को देखो, ये वार्निंग दिख रही है यहाँ पे कि पूरी मतलब कि यहाँ के लोकल ने, गाँव वालों ने और पुलिस ने कि ये वार्निंग लिखी है यहाँ पे, आप लोग देख पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। देखो 5,000 का जुर्माना भी है अगर कोई नीचे पकड़ा गया, और उसके बाद आप लोग देख लो कि यहाँ पे ना मतलब कि लेपर्ड वगैरह भी घूमता है। और ये देखो ज़रा मैंने आप लोगों को वार्निंग दिखा दी कि यहाँ पे मतलब कि आना क्यों मना है, मतलब यहाँ पे जो है पानी है नीचे ही जाता है गाँव में, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके मतलब कि गंदा कर रहे हैं, नहाने में कोई बात नहीं पर गंदा कर रहे हैं, और गंदा कैसे कर रहे हैं तो शैम्पू और साबुन सुबुन लगा के नहा रहे हैं एकदम, मतलब कि घर वाली फील ले रहे हैं पूरी। ऊपर था रोड पे और वहाँ से ना नीचे की तरफ आया हूँ, तो ये नीचे आने का ट्रैक ऐसा कुछ, और जो मतलब कि यहाँ पे ना देखो ये दिखा रहा था आप लोगों को, ये फेंसिंग वगैरह करी हुई है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे ना तोड़ी हुई है फेंसिंग, आप लोगों को दिख रही होगी क्लियर, और यहाँ से ना नीचे से रास्ता बना रखा लोगों ने, तो मतलब कि यहीं से लोग ना मतलब यहीं से लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं पूरा घूमते हुए और सीधा उस वाटरफॉल तक, और मेरे को दिख भी रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, देखो दो लड़के जा रहे हैं, बाकी मतलब कि ये देखो यहाँ पे ना फेंसिंग वगैरह तोड़ी हुई है, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा पूरी फेंसिंग तोड़ी हुई है यहाँ पे, देखो मतलब यहाँ पे ऐसी फेंसिंग करी होगी सिंपल, और ये उसके बाद देखो ये तोड़ दी, और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है पूरा। देखो यहाँ पे जो फेंसिंग करी हुई है ना, ये दो चीज़ों से करी हुई, दो चीज़ के लिए करी हुई, एक तो मतलब कि लोग नीचे जा रहे हैं और पानी गंदा कर रहे हैं, मतलब कि पानी गंदा कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब, क्योंकि हम लोग भी पिछली बार गए थे और काफ़ी रास्ता ख़राब था, तो बाकी मैं आप लोगों को भी छोटी सी क्लिप दिखा दूंगा इस वाटरफॉल के रास्ते की, और वाटरफॉल की क्लिप दिखा दूंगा जो कि हम लोग पिछले साल गए थे, तो बाकी फिर अभी जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ। पर रास्ता देखो ये वाला नीचे जाने का, यहाँ से पूरा मतलब घूमते हुए बाकी साथ वाले चलेगा, और अभी जो सामने झरना दिख रहा ना वहाँ पे जाना है अभी हम लोगों को पूरा ट्रैक करते हुए देखो, और ट्रैक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, मतलब पूरा है कि खाई की तरफ जाना है, कच्चा रास्ता पूरा है, और पतला रास्ते से जा रहे हैं हम लोग अभी, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, तो मैं तो नीचे देख के ही बात करूँगा, क्योंकि अगर ऊपर देख के बात करा कहीं मैं नीचे ही पहुँच गया, सबसे पहले मैं नीचे पहुँच गया। तो अभी ये देखो इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा रास्ता है पूरा ये नीचे जाने का, और फिर नीचे देखो ये जाना नीचे पूरा खाई है, पूरी खाई एक तरह से, अब रास्ता ऐसी है तो इसी रास्ते में काम चलाना पड़ेगा चलते हुए। कौन गिर गया? अबे उसने बोला भी था एक बंदे ने, एक रास्ता नीचे से कटता है सीधा जाता है, लेफ्ट पर जाता है। अबे तो यहाँ तो रास्ता ही नहीं नीचे जाने का, यही रास्ता होगा अबे नीचे जाने का, घुमाव का होगा ना थोड़ा। तो बाकी फिर हम लोग नीचे झरने के पास पहुँच गए, ट्रैक पूरा कंप्लीट, अभी कंप्लीट क्या आधा ही है, अभी तो आधा कंप्लीट करा हुआ, और बाकी नीचे की तरफ नदी है, तो रास्ता देख रहे कैसे रास्ता और जगह गए ना, वो थोड़ा नॉर्मल ही था ट्रैक, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैक खतरनाक ट्रैक है। ये देखो अभी साथ वाले तो देखो अभी हम लोग ना ये वाला ट्रैक कंप्लीट करके आए, मतलब ट्रैक पूरा चल रहा है, देखो अभी और भी है, और यहाँ से ना नीचे जाना है, देखो वो देखो साथ वाले चले गए नीचे, तो अभी नीचे जाते थे पूरा जाके, फिर हमें उस जगह जाना है जहाँ पे वो नदी है, वो भी ये वाला ट्रैक नीचे जाएगा, पूरा नीचे रास्ता है ये ना, नीचे ही मिलूंगा झरने में, क्योंकि ना एक हाथ में हेलमेट एक हाथ में गोप्रो, तो थोड़ी दिक्कत हो रही उतरने में, फटाफट नीचे उतरते हैं। जा यही लेके आ, जल्दी मटवा, ब्लॉग मटवा, रुक जा रुक जा, बनाना जल्दी बनाना। अबे मेरे नमारियो डुबा 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 डुबा, वो कह रहा है अंदर निकल बच्चा, बहुत डर को रहे यहां पे डाल दो गोली, मत कर अंदर बच्चा कह रहा है जा नीचे ला पूरा।
देखो आप लोगों ने वाली क्लिप देख ली होगी जो पिछले साल हम लोग गए थे वाटरफॉल पे। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, ये बात नहीं है, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, पानी अच्छा है, पर ये कि गंदा कर रहे हैं लोग तो इस वजह से ये बैन कर दिया है और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। आप लोगों ने क्लिप में देख लिया होगा और काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई अब मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ कि और लोग जा रहे हैं, तो क्योंकि देखो यहाँ पर बैन करा हुआ है ये जगह और 5000 रुपये का जुर्माना है। देखो 5000 मेरे पे है नहीं कि मतलब कि ऐसी जगह जाऊँ मैं और फिर 5000 रुपये दे दूँ फालतू, तो वो मेरे पे नहीं है। पहले कहा था कि मतलब कि वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि मतलब कि इन्फॉर्मेशन वाली है, वो यही थी जो मतलब कि ये जगह बैन कर दी है। और मतलब दूसरा ये है कि जाना ही बेकार, रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पे, तो बाकी मैं तभी नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, अभी रिसेंट ब्लॉग दिखाया था जो गुल्लर घाटी का था, जो कि गुल्लर घाटी की जो लोकेशन थी वो भी बैन हो गई थी पहले, पर अब खोल दिया वहाँ पिकनिक के लिए। पर ये है कि सिर्फ गंदा नहीं कर रहा वहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो ये चीज़ नहीं करनी वहाँ पे, तो वो मना करा हुआ है। और अगर कोई पकड़ा गया तो फिर उनके खिलाफ भी मतलब कि ऐसी कार्रवाई हो रही है। तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि मतलब कि वहाँ पहले बैन था और अगर अभी भी वहाँ पे बैन होगा, मतलब कि वो जगह बैन होगी, तो वहाँ नहीं जाएंगे। और जैसे कि अभी ये वाला किवाड़ी वाला वाटरफॉल बैन है तो अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को रास्ते में दिखाया था, एक मतलब कि नदी जा रही थी और वहाँ पे मतलब अपोजिट साइड जो पहाड़ था कि मतलब देखो वहाँ पे बंद तो करा नहीं होगा, तो वहाँ चलेंगे, इससे इसके बदले ना वहाँ चलेंगे उस वाले वाटरफॉल पे या कोई लोकेशन होगी वो बढ़िया सी, तो वहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं, क्योंकि ये जगह बैन करी हुई है तो जाके फायदा है कुछ है नहीं। और बाकी आप लोगों ने क्लिप वगैरह भी देख लिया कि वाटरफॉल कैसा है कैसा नहीं है। बाकी अगर देखो कोई आएगा तो अपने रिस्क पे आना, क्योंकि 5000 रुपये का जुर्माना है अगर किसी ने पकड़ लिया, ठीक है। पहले तो गाँव वाले देख लेंगे, फिर वो मतलब कि गाड़ी की हवा वगैरह भी निकाल सकते हैं और फिर कार्रवाई अलग से होगी, 5000 रुपये की जुर्माना ही पड़ जाएगा, बहुत चीज़ होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वाले वाटरफॉल में मत आना बिल्कुल भी, और बाकी और जगह चले जाओ, इस वाले वाटरफॉल में मत आना, रास्ता ख़राब है और पानी गंदा होगा तो फिर बेकार ही है, ठीक है। बैन करा हुआ, पूरा ही बैन करा हुआ है, पर फिर भी ना यहाँ पे लोग जा रहे हैं। देखो मैं गाड़ियाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, एक देखो ये खड़ी हुई, जब मैं आया था तब भी ये गाड़ी खड़ी हुई थी, और ये देखो 1, 2, 3, 4 मतलब कि 4 गाड़ियाँ और आ गई यहाँ पे, और मतलब कि यहाँ पे लोग जा रहे हैं। पर देखो अगर किसी ने देख लिया या किसी ने मतलब कि कंप्लेंट कर देना एकदम, तो इनका चलान वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही कह रहा हूँ, अगर कोई आएगा तो अपने रिस्क पे आना। देखो क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोग ना वीडियो बना रहे हैं यहाँ की और बोल रहे हैं कि मतलब कि ये खुल चुका है, ऐसा खुल चुका है, वो ये वो, और रास्ता वगैरह दिखा रहे हैं बस, पर जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो कोई नहीं दे रहा है कि मतलब कि यहाँ का रास्ता ख़राब है, ठीक है, और मतलब कि यहाँ पर मतलब बैन करा हुआ है ये जगह, चलान वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे। तो ये चीज़ है कि अगर मतलब देखो वीडियो बना रहे हो ना, तो मतलब कि अपनी वीडियो में थोड़ा सा मतलब कि इन्फॉर्मेशन भी दो जो मतलब कि लोगों के लिए भी ठीक रहे, और अपने लिए तो ठीक रहे पर लोगों के लिए भी और ठीक रहे, तो इन्फॉर्मेशन भी देना हमेशा ज़रूरी रहता है। अपनी वीडियो में हमेशा इन्फॉर्मेशन ना देनी चाहिए। ऐसे देखो मैं भी ना इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आप लोगों को अपनी वीडियो में, जैसे मतलब कि यहाँ पे वाटरफॉल है। देखो अगर एक बात मानो, मैं मतलब देखो मैं भी ना यहाँ पे चले जाता, जैसे काफ़ी सारे लोग ना मेरे को बोल रहे थे किवाड़ी वाले वाटरफॉल पे, किवाड़ी वाले वाटरफॉल पे मतलब एक्सप्लोर करो, तो मतलब मैं भी देखो यहाँ पे 6 बजे पहुँच जाता और उसके बाद मतलब कि देखो इस टाइम तक ना मैं ऊपर आता और निकल जाता यहाँ से फटाफट वीडियो बना के, ठीक है। पर देखो अगर कोई मेरी वीडियो देख के यहाँ पे जाता, ठीक है, मान लो कोई गया और फिर मतलब कि जब तक वो ऊपर आया ना आके, तब तक मतलब कि पुलिस वालों ने उसके ऊपर चलान कर दिया कि नीचे क्यों गया, हमें बोर्ड वगैरह, क्योंकि वार्निंग लिखी हुई है वहाँ पे, अगर लिखी नहीं होती तो अलग बात थी, वहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है और मान लो किसी का चलान कर गया तो भाई वो तो मेरे को ही बोलेगा ना कि भाई इसकी वीडियो देख के गए और उसने ऐसा झूठ बोला, ठीक है। तो मतलब अपनी वीडियो में इन्फॉर्मेशन भी देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि तो अपनी वीडियो में ना इन्फॉर्मेशन देना भी काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं बस खत्म कहानी, पर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। तो आप लोग सही चैनल पर आए हो, इस वीडियो में इस चैनल में आप लोगों को देखो लोकेशन भी बढ़िया दिखेगी, रास्ते से लेकर लोकेशन तक भी जाऊँगा, पर इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा कि वहाँ जाना ठीक है कि नहीं है। इसी चीज़ ना काफ़ी सारे लोग नहीं करते, तो हम करेंगे ऐसी चीज़, मतलब कि आप लोगों को लोकेशन तो दिखाएंगे पर साथ साथ ना उस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि वहाँ जाना ठीक है कि नहीं है। स्वाद लेंदी है नाले जड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी।